चिंगादा म्यूजियम में है हम दुबई के, और ये जो आपने तस्वीर देखी ये है ट्रेडिशनल कुकिंग पॉट और लाडिल की, इसी में खाना बनाया जाता था। लेकिन दुबई घूमते घूमते मुझे भूख लग गई, तो चलिए अब म्यूजियम से ले चलते हैं आपको वैसे लोकल रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर क्या खाना मिलेगा ट्रेडिशनल ये अब आपको बताते हैं। ये है खेंगट, खेंगट कोली लोगों का स्पेशल मेड विद बोंबिल एंड प्रॉन्स। Well, Habibi, I'm still inside the kitchen of Vasai Local and with me is Supriya here. And Supriya, मजा आ गया, मतलब वो जो ओमान चिप्स वाला वड़ा पाव था वो तो बहुत बढ़िया था। अब क्या बता रहे हो? You told me that you're introducing some new recipe in your menu. So we've got a new curry that we are introducing. उसको बोलते हैं खेंगट। खेंगट। या कोली लैंग्वेज में। जी। And ये जो करी है ना मोहसिन, ये जो फिशर फोक मैन जो बोट सी डीप सी फिशिंग के लिए जाते हैं, उनकी स्पेशलिटी है। तो क्या होता है ना, उन्होंने फिशिंग कर दिया, आ गए, और जब उनके पास बड़े बड़े फिश होते हैं तो उनके पास छोटे बोमबिल आ गए, प्रॉन्स आ गए। जो छोटी मच्छी है ना बेचारी गरीब, उनको लेके वो एक इतना यमी सा करी बनाते हैं। वो करी मैं आज आपको दिखाऊंगी। बड़ी फिश बेचते हैं और छोटी जो फिश है खुद खा लेते हैं, बट वो जो छोटे फिश में मजा है, अनफॉर्चुनेटली वो जो स्मॉल बेबी प्रॉन्स होते हैं करदी, वो दैट इज द ओनली थिंग यू डोंट गेट इन दुबई। हां या बट हम नॉर्मल प्रॉन्स यूज करेंगे और उसको बनाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, आई एम सो एक्साइटेड। एंड चलिए दुबई से वसई लोकल से हम आपके लिए खजाने ले आ रहे हैं। सो मोहसिन, पहले हम लेंगे इसमें अनियंस। ओके, ये आई एम श्योर क्योंकि लिमिटेशन में बनाते होंगे वो लोग बोट में। यस yes. तो जो सामग्री है वो भी एकदम ही कम ही रखते होंगे। एब्सोल्युटली। तो ये सिमिलर रेसिपी ना वो लोग ड्राई फिश से भी बनाते हैं। जी। तो हम क्या करेंगे अभी ये अनियंस को जी। ये इतनी सिंपल रेसिपी है मोहसिन, बट आप जब खाओगे, आप टेस्ट करोगे, यू विल फील द फ्लेवर्स। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, दैट्स हियर, सॉल्ट जा रहा है, कोली खाना जो होता है ना मोहसिन जी, दो चीज़ें होते हैं कोली खाने में, इट इज़ वेरी स्पाइसी एंड इट इज़ वेरी ऑयली। मतलब कोली खाने में वो रोगन आना ज़रूरी है, तरी यही। हम अभी ये डिश के लिए थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल जाएगा। अच्छा, इसके बाद जाएगा ये स्पेशलिटी, ये खजाना, ये गोल्ड। yeah. कोली लोगों का गोल्ड जो बोलते हैं कोली मसाला, कोली मसाला, दिस कम्स ऑल द वे फ्रॉम वसई। माय मम्मी, माय आंटी, एवरीबडी, लोकल वुमेन को सपोर्ट करके ये बनता है, हमारी ड्राई फिश वहाँ से आती है। सो वी विल गो दैट। कोली मसाला, आई हैव सीन इट इन द मार्केट्स आल्सो, आपका तो अलग ही होगा, बट यू गेट इट इन द मार्केट, यू गेट इट इन द मार्केट्स। या एवरी कोली हाउसहोल्ड और हूएवर हैज अ लिटिल स्पेशलिटी हो। और ये जो टेक्निक्स है ना, मुझे मेरी मम्मी ने, मासी ने, सब दादी ने, इन्होंने सिखाई है। ओके, सो नाउ वी हैव डन दैट। या तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा चिली, वी विल मेक इट अ लिटिल स्पाइसी, थोड़ा गार्लिक, वी नॉर्मली पुट कोरिएंडर, बट बिकॉज रेस्टोरेंट है हमारे पास सब रेडीमेड मिल जाता है चॉप्ड वगैरह, तो हम थोड़ा शॉर्टकट यूज कर लेंगे थोड़ा, और इसको हल्के से पीस देंगे। आज मैं थोड़ा होम स्टाइल में सब कर रही हूँ, हाथ वाट डाल के। मेरे शेफ मुझे बहुत मारने वाले हैं, बिकॉज देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस वी फॉलो हियर इन दुबई। तो ये हो गया अभी आपका गार्लिक का पेस्ट। अच्छा, दिस इज द एंटायर पेस्ट, ये जो हमने बनाया था गार्लिक एंड कोरिएंडर और चिली। ओके ओके, लुक्स नाइस। यस, नॉर्मली ये देखो, ये ऐसा मसाला ना जब हम गैस पे कुक करते ऐसे दिखता है, बट ये बस हमने हाथ में किया है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, सो ये है, ये है बॉम्बे डक फ्रेश जैसे है, एंड आपने हल्का सा हल्दी लगाया, हल्का सा हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसमें जो प्रॉन्स जाते हैं छोटे जाते हैं, बट हियर वी कीप द टेल जस्ट फॉर द for the prawn to look nicer. It's always easy to also yes, hold while eating. Very important. Otherwise to de-vein, clean करना बहुत जरूरी है। तो ये मैं थोड़ा इसमें डाल दूंगी। तो इंडिया में ना जो आपकी सबसे बेबी फिश जो होती है ना, जैसे मांदेली होती है और छोटा बोमबिल, करदी, वो सब डाला जाता है। इसको हल्के हाथ से मैं इसमें मिक्स, जो बेट वाली फिश होती है वो ना, एग्जैक्टली, ये थोड़ा ना सेमी ग्रेवी टाइप होता है मौसम, ये थोड़ा ज्यादा पतला नहीं, यस, सिंपल लग रहा है। अभी इसमें लिटरली जैसे मेरी मम बोलती है ना, पानी इतना डालना है जैसे हाथ धो रहे हो, तो ज्यादा पानी नहीं डालना है। बट बिफोर पानी डालू, आई एम गोना पुट अनदर कोली इंग्रेडिएंट,
जैसे काफ़ी सारे सी फूड में होता है, मैं स्वेट कर रही हूँ चिली से, कोकम होता है, तो एक जो डिफरेंस होता है कोली खाने में इज द टैमरिन, टैमरिन अ लॉट ऑफ मालवन मालवनी एंड ऑल मालवनी पुट कोकम, कोली इज पुट टैमरिन. तो मैंने सो द गोवन साइड दे पुट कोकम राइट, द कोकम गोवंस पुट अ मिक्स ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन, जैसे मेरी मम्मी बोलती है अभी हम लोग कोकम खाएंगे हेल्थ रीजंस के लिए ये वो, बट मोस्ट ऑफ द कोली फूड इज मेड विद टैमरिन एंड नॉट कोकम. यू कैन पुट कोकम, सो दैट्स द लिटिल डिफरेंस. सो यू सी लिटरली दैट, या आई थिंक दैट शुड बी इनफ. अभी जैसे मेरी मम्मी ने सब मिक्स कर दिया अभी, और जैसे मेरी मम्मी बोलती है पानी इतना ही डालो जैसे हाथ धो रहे हो लिटरली. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर वे, एक ट्रेडिशनल तरीका हम दिखा रहे हैं आपको, मैं बता दूं जहाँ पे ये, इसको हम हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे. थोड़ा और पानी. नाइस. तो हम ये अभी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू पुट अ स्पून इन दिस. ओके, लाइक बिकॉज बोमबेल इज सच अ सॉफ्ट फिश जी एंड इट गेट्स कुक्ड इमीडिएटली, तो हम नॉर्मली इसमें स्पून नहीं डालेंगे जी. मेरा एक मासी का तरीका है इसको मिक्स कैसे करने का है, व्हेन वी पुट इट टू बॉयल मैं आपको बता दूंगी. जी जी. अच्छा, ये अभी बॉयल होने वाला है, ये अभी तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, ये तो जल्दी कुक हो जाएगा लाइक लेस देन 15 मिनट्स on a very slow flame. So we have Bombay duck and prawns in it. Prawns but aap chahe to koi aur variation le sakte. All baby fish, mandeli ho gaya, जी. baby prawns ho gaya, जी, जी, जी. और बॉम्बे में काफी सारे, इंडिया में, मुंबई में, सॉरी मैं बॉम्बे बोलती रहती हूँ, बॉम्बे वाले हैं, कोई टेंशन नहीं, मेरे भी मुंह से बॉम्बे निकल रहा है. जब मैं इधर आई तभी वो बॉम्बे था, अभी मुंबई हो गया है. सो या, सो यू सी दिस, इट ऑलरेडी लुक्स सो ब्यूटीफुल, जैसे हम खा सकते हैं. एक्चुअली इट लुक्स लाइक दैट ओनली. यस, बट अभी हम इसको गैस पे डाल देंगे. ओके, गैस पे रखने वाले हैं अभी, एंड लेट्स गो फॉर इट. ओके, सो ये अभी उबाल आ गया है. Yes, ये उबाल आ गया है. तो अभी और कितने देर हम पकाएंगे? Another 5 minutes. आप देखो जैसे ये ऑलरेडी पक गया है तो इसको ओवर कुक नहीं कर रहा है. हाँ. और जैसे मेरी मावशी बोलती है इसमें हम करचा नहीं डालेंगे. अच्छा, तो जरा भी नहीं करचा, जरा भी नहीं. तो इसको हिलाना कैसे है, नॉर्मली जो इंडियन वेसल्स होते हैं ना. हाँ. उसको हम कोई कपड़े से ऐसे उठाओ, उसको थोड़ा मिक्स करो, तो इसको ना बस हल्के से ऐसे करना है, जस्ट टू गिव इट दैट स्टर. और अगर आपको करना भी है हल्के हाथ से ताकि ये फिश टूटे नहीं जी. और जैसे ये दिख रहा है स्लो फ्लेम पे, और ये जब आधा पकेगा ना मौसम, इसमें हम डालेंगे हल्का सा धनिया पत्ता. धनिया पत्ता भी आ गया. ओके, और इसको हम और एक लेस देन 5 मिनट्स के लिए रखेंगे. ओके, लेस देन 5 मिनट्स एंड इट बी रेडी. और ये अब रेडी हो गया. It is ready to eat with our ever famous bhakri. Okay. अच्छा, bhakri भी आपने, bhakri है, fugyas है. क्या बात है. अब ये कितने तक मिल जाएगा आपको? This should be launched, right? Yes, this should be launched between 35 and 40 dirhams. Awesome. All our dishes are around that. Oh, two or more. Okay. Yes, this is ready to begin. Must. ये हमारा ये करी भी रेडी हो गया. ऐसी है, ऐसी है ना अवार्ड ये दादा साहब का. यस, वी वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द टीम ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड व्हेन दे वर हियर दिस ईयर. इट्स एन अप्रिसिएशन अवार्ड. सुपर, आई एम सो हैप्पी टू सी यू. तो ये हो गई आपकी करी रेडी, एंड दिस इज द धनिया डाल दिया. अब टू गार्निश, सिंपल, वी डोंट डू मच कुछ फैंसी नहीं है, सिंपल गार्निश. एंड योर करी इज रेडी. जैसे आप देखेंगे अमेजिंग प्रॉन्स एंड बोम्बिल, लुक्स नाइस, एंड दैट्स द रीजन फॉर द अवार्ड. एंड बड़ा अच्छा, एंड रियली अप्रिशिएट ऑल योर अचीवमेंट्स. थैंक यू सो मच. एंड तो अब मैं इसे ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है. डेफिनेटली. क्या है बताइए? ये है खेंगट. खेंगट कोली लोगों का स्पेशल, मेड विद बोम्बिल एंड प्रॉन्स. एंड इट इज लाइक, आपने इतनी ज्यादा क्वांटिटी दे दी है, मुझे उठाया नहीं जा रहा है. एंड इसमें है बोम्बिल,
बॉम्बे प्रॉन्स, अनियंस, गार्लिक, क्या बात है, बहुत सारा प्यार जैसे मैंने आपको बोला एंड पैशन. एंड इसे खाना है भाकरी के साथ. भाकरी के साथ तो कैन बी दैट आपने दुबई में पॉसिबल कर दिया है वड़ा पाव एंड भाकरी भी है. And this is the local cuisine, the local cuisine, कोली cuisine. वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भाकरी इज राइस की रोटी. एंड यहाँ पर इससे क्या है, ये जो ग्रेवी आइटम होता है ना, उसका स्वाद और बढ़ जाता है. मतलब वो चावल में ऐसा मिक्स विक्स करके खाने का, ये ऐसा ही आपको हाथ में आ गया. मैं सिर्फ ग्रेवी के साथ पहले खाता हूँ, ऐसे आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है. एंड यू गो टू लॉन्च दिस, ये आप क्या बात है, मतलब सबसे पहले माई काइंड ऑफ प्रोडक्शन पे, माई काइंड ऑफ प्रोडक्शन दुबई पे ये आया है. जो फ्लेवर है ना, मैं बता दूँ धीरे धीरे ना, वो यू गेटिंग दैट बोम मिल का पंच ऑल्सो एंड यू गेटिंग दैट प्रॉन्स का पंच ऑल्सो. एग्जैक्टली. एंड आपको पता है वो बोम मिल का एक अलग ही एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, वो मिल रहे हैं आप इसमें. क्या होता है बोम मिल का जो आपको पता है, जो काटा बोलते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो हमारा बोम्बे रवा फ्राई बनता है, विच इज़ आवर सुपर फेमस डिश, इसमें हम इसको डीबोन करते हैं क्योंकि दुबई वाले लोगों को थोड़ा स्पॉइल्ड होने की आदत है. बट वो जो बोम्बे का फ्लेवर है उसके काटे से आता है, उसका जो जूसेस होता है. सो व्हेनेवर यू कुक द बोम्बे, नेवर रिमूव द काटा. आई वाज जस्ट अबाउट टू टेल यू, ये मेरे को ना बहुत, हम लोग खाते सूखा बोम्बे पता है. यस वी हैव दैट एज वेल. या तो वो सूखा बोम्बे का जो फ्लेवर आ रहा है ना, वो आपने ग्रेवी में डाल दिया, दैट्स बिकॉज़ ऑफ द काटा. यस नाउ आई गॉट इट, बिकॉज़ मैं ना वो माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू गिव मी वो उस पे रोस्टेड सिगड़ी पे. अरे वो वाला रहता था ना स्टोव, स्टोव पे से ऐसा भून के मेरे को खिलाती थी, खाली भून के दाल चावल सूखा बॉम्बे. गॉट मी देयर. यस इट गॉट मी देयर. यू नो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट प्रोसेस. यू यू डन योर साइंस, यू नो योर साइंस. लोग बोलते हैं कि हमको बॉम्बे की याद दिला दी, मुंबई की याद. मुंबई में भी आपने नॉस्टैल्जिया दे दिया मेरे को, दैट नॉस्टैल्जिया, दैट्स द वर्ड. या एंड आई एम सो हैप्पी दुबई में. यहां पर बहुत सारे शर्मा खाने के बाद मैं सीधा मुंबई भी पहुंच गया. नाइस कनेक्टिंग विथ यू, मज़ा आ गया. थैंक यू सो मच. अब मैं ये सारा ही खाने वाला हूँ. बट द ग्रेवी वॉज द थिंग, लाइक आई कैन स्वैप इट विद मांदेली या छोटी फिशेज, ये इन्होंने बताया. वैसे ही लोकल आना है करामा में. यस एंड यहाँ पर आके डेफिनेटली खाना है, देयर ऑन द मेजर एप्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच मासी. वाला अभी भी वैसा ही लोकल आइए कभी भी. दैट्स अ गुड वन. It's the final dish which I've covered here and I hope I come back soon and cover more dishes also. ये तो हर कोई मुझे दुआ देने वाला, ये वाला दुबई से मैंने यहाँ पे फिश फ्राई, क्रिस्पी फिश फ्राई की रेसिपी.